हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूमिका की किचन। तो आज मैं आपके लिए आम के मुरब्बे या फिर आम के मीठे अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि आप बनाकर स्टोर करके बिना फ्रिज में रखे 1 साल तक रख सकते हो और आपके ये आम का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 kg आम ले लिए हैं। अभी इसको हम बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसकी सारी गंदगी हट जाए। इसके बाद एक साफ़ कपड़े से हम इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, जिससे कि इसका पानी सारा सूख जाए। और इसके बाद भी हम इसे 1/2 घंटे के लिए या तो फ़ैन के नीचे या फिर धूप में इस तरह से रख देंगे, जिससे कि इसका बचा खुचा सारा पानी निकल जाए, सूख जाए। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से छील लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे आमों को अच्छी तरह से छील लिया है, अभी इसे हम कट कर लेंगे। तो अभी हमारे आम के अंदर की सीड सॉफ्ट है, तो ये अच्छे से कट हो जा रही है। तो इसकी सीड हम निकाल लेंगे और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आपको जो भी साइज पसंद हो उस साइज में से कट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में इसे कट किया है। तो ये देखिए, सारे आमों को हमने अच्छी तरह से कट कर लिया है। तो अभी इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये हमारा 1/2 kg आम था, तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून भर के नमक डाला है। अभी हम नमक को अच्छी तरह से आम में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि नमक की आम के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। और अभी हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि आम का थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो जाए। तो 1 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आम का क्या हाल है। तो ये देखिए, इसने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अभी इसको हम एक कढ़ाई में डालेंगे। तो आपको जूस पैन में भी अचार बनाना, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। पानी सहित इसे हमें डालना है कढ़ाई में। और अभी इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो हमारा जितना आम है उसका 1/2 चीनी हमें लेना है, उससे कम नहीं ले सकते। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या आपके आम की वैरायटी ऐसी है कि वो बहुत खट्टी है, तो उस हिसाब से आम में आप चीनी ऐड कर सकते हो, पर 1/2 से कम चीनी नहीं ऐड करना है। कोई कोई आम की वैरायटी में आम बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा चीनी ऐड करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कम ही चीनी ऐड करी है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी पसंद नहीं आती है। तो अभी इसको हम अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। और ये देखिए, धीरे धीरे से हमारी चीनी मेल्ट होने लगी और इसने अपना भी पानी रिलीज़ कर दिया है। तो ये लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, तो इसका काफ़ी पानी रिलीज़ हो गया है। तो अभी मैंने फ़्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। और इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप डालिए, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। तो ये लगभग देखिए काफ़ी थिक हो गई है। तो इसको हमें 1 तार की चाशनी बनानी थी। तो ये देखिए, इसमें 1 तार बनने लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो लास्ट में इसमें हम 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी चीनी का
क्रिस्टल ना बने और ऐसे ही हमारा अचार सॉफ्ट बना रहे साल भर। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, ठंडा होने पर ये और ज़्यादा थिक हो गया है, तो हमारा ये अचार रेडी हो गया। तो हम किसी भी साफ़ सूखे कंटेनर में इसे स्टोर करके रखेंगे। एक साल तक ये हमारा अचार ख़राब नहीं होने वाला। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।